आखिरकार लोगों का इंतजार खत्म हुआ, लोग ये जानना चाहते थे कि क्या पवन सिंह इन फ्यूचर अक्षरा सिंह के साथ काम करेंगे या नहीं। और इन सारे सवालों का जवाब पवन सिंह ने बड़े बखूबी दिया निशांत के शो में। जी हाँ, प्रोड्यूसर निशांत लाइव आए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर और वहीं उन्होंने अपना चैट शो स्टार्ट किया है। और आज उस चैट शो में पवन सिंह उनके गेस्ट हैं और उन्होंने उनसे वो सवाल पूछा जो सवाल सभी सुनना चाहते थे कि क्या पवन सिंह इन फ्यूचर अक्षरा सिंह के साथ नज़र आएंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि क्या पवन सिंह ने इसका जवाब दिया। निशांत ने क्वेश्चन किया कि पवन सिंह से आपके कई हीरोइनों के साथ ऐसे रिलेशन रहे हैं जैसे कि रानी चटर्जी और अक्षरा सिंह, जिनसे मतभेद हो गया है, लेकिन रानी चटर्जी के साथ आपके संबंध फिर से अच्छे हो गए हैं, आपने फिल्में की उनके साथ, गाने कर रहे हैं, अब बताइए क्या आप अक्षरा सिंह के साथ काम करना चाहते हैं। उस पर आप जानना चाहते होंगे कि पवन सिंह ने क्या कहा। तो हम बता दें आपको कि रानी चटर्जी का तो नाम लेते हुए पवन सिंह ने कहा कि उन लोगों के बीच कोई गलतफहमी थी, वो गलतफहमी समय के साथ दूर हो गई और इसलिए वो रानी के साथ आगे चलकर काम कर पाए। बात अगर अक्षरा सिंह की हो तो आपको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पर अक्षरा सिंह का नाम भी नहीं लिया है पवन सिंह ने। जी हाँ, निशांत ने जब पवन सिंह से सवाल किया तो पवन सिंह ने सिर्फ कहा कि आपने जो दूसरा नाम लिया, यानी दूसरा नाम तो निशांत ने अक्षरा सिंह का लिया, तो कहा उनके लिए मैं अंग्रेजी में वो कहते हैं ना नो कमेंट, यानी कि अक्षरा सिंह के साथ इन फ्यूचर वो कभी काम नहीं करना चाहेंगे। फिर आपको एक और बात बता देते हैं, यही सवाल निशांत ने जब अक्षरा सिंह से पूछा था, जब अक्षरा सिंह उनके शो में आई थी पिछले हफ्ते, तब अक्षरा सिंह ने भी ना में जवाब दिया था, लेकिन पवन सिंह का बकायदा नाम लेते हुए। लेकिन जब निशांत ने पवन सिंह से पूछा कि क्या वो अक्षरा के साथ दोबारा नज़र आएंगे, तब पवन सिंह ने अक्षरा का नाम नहीं लिया और कहा नो कमेंट। तो आप जान गए कि पवन सिंह अब अक्षरा के साथ शायद इन फ्यूचर कभी किसी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आएंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल।